एक टांग तो कट चुकी है, फिर भी बहादुरी दिखा रहे हो, दूसरी टांग भी काट दी जाएगी, समझे? चलो। हे भगवान, क्या इस गांव को बचाने वाला कोई नहीं है? कोई नहीं है क्या? By rule and regulation, तू है कौन? ये बाद में बताऊंगा मैं कौन हूं, पहले ये जान ले मैं हूं क्या। वर्दी वाले, रूल्स रेगुलेशन से अपने आप को सुधार ले, वरना ये गांव इतना बड़ा नहीं जहां मैं भी रहूं और तू जैसा अफसर भी रहे, समझे? शुक्रिया। चंपा, मुझे नहीं होता, चंपा मेरी बहन, चंपा मत रो, मत रो। जवान, मस्तान बाबा का सलाम और दुआ दोनों कबूल करो। तुम्हें देखकर ऐसे लगा जैसे मेरा कटा हुआ पाँव मुझे वापस मिल गया। आप, मैं भी कभी तुम्हारी तरह था। मेरी तरह होना अच्छी बात नहीं है। बनाओ मत भाई, जो शख्स खूनी भेड़ियों के शिकंजे से मेरी बहन की आबरू को बचाकर ला सकता है, वो कहे कि मेरी तरह होना अच्छा नहीं है। मैं पहचानता हूं, इस गांव को जिस इंसान का इंतजार था वो तुम्ही हो। तुझे तलाश कर रही है, चल चल घर, चल घर, चल बेटे, चल चल बेटे, आ बेटे, बैठो बेटे। अजी सुनिए तो, देखो कौन आ गया है, मेरा मुन्ना आ गया है, हमारा मुन्ना आ गया है, जल्दी आओ ना, जल्दी जल्दी आओ ना, देखो हमारा मुन्ना आ गया है। मुन्ना, तू भूखा है ना? मुझे मालूम था तू भूखा होगा, इसलिए मैंने तेरे लिए खाना बना के रखा है। तू बहुत रोता था ना मेरे लिए? हाँ माँ। अब तू मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा ना बेटा? नहीं माँ। बेटा, तू मेरे लिए गहने लाया है ना? बेटे की कमाई पर माँ को बहुत गर्व होता है। मेरा बेटा दुनिया में सबसे अच्छा है, बहुत अच्छा है मेरा बेटा, सबसे अच्छा है मेरा बेटा। तुम यहाँ कैसे आ गए? देखो जी,
मेरा मुन्ना आ गया है। निकल जाओ यहाँ से, मैं कहता हूँ निकल जाओ यहाँ से। मैं माँ को छोड़कर कह नहीं जाऊंगा। ये पागल औरत ये नहीं जानती कि जिसे वो अपना बेटा कह रही है वही उसके बेटे का कातिल है। अपने बेटे को डांट रहे हो? जब बाप बेटे को डांटे तो माँ को वहाँ नहीं रहना चाहिए। मैं जाती हूँ, मैं जाती हूँ बेटा। यहाँ आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं यहाँ अपने पाप का प्रायश्चित करने आया हूँ। इतनी बड़ी दुनिया है, कहीं भी जाके मरो, मेरे घर क्यों आए हो? क्योंकि गुनहगार मैं आपका हूँ, आपके सामने प्रायश्चित करूंगा। जब तक तुम मेरे सामने रहोगे मैं चिता की आग में जलता रहूंगा। अब जाओ यहाँ से, जाओ, निकलो बाहर। कोई बात नहीं, मेरे घर चलो। यही मेरा घर है। घर क्या, ये पूरा गांव तुम्हारा है, लेकिन इस वक्त ये तुमसे नाराज है। माँ बाप तो बच्चों से नाराज होते ही हैं। देखो बेटा, बहुत जल्द रात होने वाली है, कहाँ रहोगे? गांव के मंदिर में। दिखने में तो तुम बहुत बहादुर लगते हो। शुक्रिया, मैं तुम्हारा एहसान याद रखूंगा। वादा? वादा नहीं, वचन। जय काल भैरव, चलती हूँ। सावधान रहना, ये इलाका जहरीले सांपों का है। मेरे भाई, मुझे माफ कर दे, मैं तेरा गुनहगार। उस दिन अगर पिताजी को मैं पैसा वापस दे देता तो तेरा इलाज हो जाता, तो आज मां की हालत ना होती, ना ही पिताजी को यह दिन देखना पड़ता। मैं गुनहगार हूं ना, मैं अपने इस घोर पाप का प्रायश्चित करूंगा मुन्ना, और अपने खून की एक एक बूंद से अपने गुनाह को धोऊंगा। मैं तुम्हारी समाधि को छूकर कसम खाता हूं, आज से मैं ना रहा, तुम हो गया। तुम्हारे माता पिता आज से मेरे हैं। जिंदगी भरना छोड़ो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ। ये क्या हो रहा है? पूजा? कैसी पूजा? आप लोग मुझे गोद ले रहे हैं, मैं आपका धर्म पुत्र हूँ। गोद ले रहे एक हत्यारे को? असंभव। पंडित जी बंद करो तमाशा। ले लो लड़का अच्छा है और अपने आप मिल रहा है। आप जानते हैं ये कौन है? मैं नालायक हूँ, आपका बेटा होने के लायक नहीं, लेकिन आप लोग तो अच्छे हैं। पंडित जी, ये लोग मुझे गोद नहीं ले सकते, मैं इन लोगों को गोद ले रहा हूं। आज से ये लोग मेरे धर्म माँ और धर्म पिता हैं।
कदरदानों, मेहरबानों, दोस्तों, भाई और बहनों, एक लाल की धनी ने इस गरीब को दो दिन से ऐसा बांध के रखा है भाई। आगे बढ़ो और आगे बढ़ के बताओ गरीबों में कितनी ताकत है, मुझे छुड़ाओ, मुझे आजाद करो मेरे भाई, मेरे हाथ बहुत दुख रहे बाबा। मैं जानता हूँ इस भीड़ में वो लोग भी खड़े हैं जिनसे मैंने कर्जा लेकर कभी लौटाया नहीं है। मेरे तमाम कर्जदाताओं, मुझे बचा लो, अगर मुझे कुछ हो गया, मैं मर गया, तो तुम्हारे पैसे भी डूब जाएंगे मेरे भैया। कम से कम थोड़ा रस्सी तो ढीला करो मेरे भाइयों। कर्ज खोर, तुम मर जाओ, हम अपने पैसे भूल जाएंगे। चलो भाइयों, चलो यार। धनी लोग चले गए, मैं तो यही चाहता था। मेरे दोस्तों, मेरे गरीब भाइयों, मैं अमीरों को लूटता हूँ, थोड़े मजे करता हूँ, क्या बुरा करता हूँ। आप लोग आगे बढ़िए और इस गरीब नेता की मदद कीजिए, तभी तो क्रांति आएगी मेरे भाई। अरे तुम यहाँ शहर से कब आए? कवाली के बाद मिला ही नहीं। शंकर भैया मुझे छुड़ा दो, ये कहानी बहुत लंबी, मैं बाद में बताऊंगा। मेरे ससुर ने दो दिन से बांध के रखा है, पूरे वांदे कर दिए। अरे इसको छोड़ क्यों दिया? पहले ये बताइए कि इसको बांधा क्यों? अरे ये नालायक गांव के धनी लोगों के पास जाता है और उनसे कहता है कि मैं सेठ का इकलौता दामाद हूँ, उसके मरने के बाद सारी दौलत मुझे ही मिलने वाली है। आज 1,000 दो, बाद में 5,000 ले लेना। थूक लगा के स्टैंप पेपर पर दस्तखत कर देता है। ठीक ही करता है, लालची लोगों को लुटता है ना। चलता हूँ, बाद में मिलना। हाँ जी। देखा, बहुत बड़ा आदमी है, सारा कानून जानता है, हर लफड़े में अंदर बाहर हो चुका है। अरे मेरे बाप, क्यों बुराई की तारीफ कर रहा है? अरे तू सुधरता क्यों नहीं है यार? एक बात बोलूं? बोल। क्या? आखिरी बार मुझे 10,000 रुपए देंगे। ये जगह छुपने के लिए ठीक रहेगी। आहा। अरे चंपा, कहाँ जा रही हो? डॉक्टर को बुलाने। कौन बीमार है? गीता। क्या हुआ उसको? पता नहीं, कहते हैं कि उसको दिन में भी तारे नजर आते हैं। बाकी बात बापू से पूछ लेना। क्या हुआ चाचा जी? क्या कहें बेटा कि क्या हुआ है, ना डॉक्टर, ना वैद, ना हकीम, कोई दवा काम नहीं आ रही, ना देसी और ना ही विदेशी। ये कैसी बीमारी है? कल से पता नहीं कहां गई थी, क्या देखा था और क्या हो गया। मैं देखता हूं। ठीक है। गीता।